नमस्कार, जय देवी भूमि उत्तराखंड। मेरा नाम है गीतांजलि और मैं बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड की देहरादून से। दोस्तों, आज आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ खास दिखाऊंगी, तो आप सभी व्यूअर्स बने रहिएगा मेरी वीडियो में और देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी मेरे चैनल में आज पहली बार आया है वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। और आप सभी को मिलाते हैं आज गौ भक्त श्री गोपाल मणि जी महाराज और श्री उनके पुत्र श्री सीता शरण महाराज जी को आप सभी व्यूअर्स को मिलाते हैं। और आज हो रही है उनकी गौ कथा हमारे ही घर के पास में, तो आज मैं भी वहां पर जाऊंगी फ्रेंड। तो आप सभी व्यूअर्स बने रहेगा मेरी वीडियो में और देखते रहेगा दोस्तों मेरा चैनल। तो ये गुरु जी की कथा और आज हम आए हैं गुरु जी की कथा सुनने। और आप सभी लोग देख सकते हैं ये हैं गुरु जी गोपाल मणि जी और सीता शरण जी। पूज्य मित्र जन, सम्मान हमारे इस कथा के आयोजन निर्माण श्रीमती वृंदा देवी गुरुदेवी श्रीमती सुधा गुरु पत्नी सभी सेवा श्रीमती रमा गुरु एवं नवीन गुरु जी श्रीमती कविता देवी। हम पहुंच चुके हैं कथा में और आप सभी व्यूअर्स बने रहेगा हमारी वीडियो में, देखते रहेगा मेरा चैनल। लक्ष्मी तो गाय के गोबर में श्रीमद् भागवत शब्द का अर्थ कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। तो श्री शब्द का अर्थ क्या बनेगा? गाय। और दूसरा शब्द क्या है साहब वीर बहादुर जी? श्री, उसके बाद मद। मद मद मतलब घमंड, गर्व, अभिमान। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाई मद नाही। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको कुछ मिला और मद नहीं हुआ, हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ये जो शब्द हमने बोले इनका एक बढ़िया वाक्य बनाना है, तुम्हारी परीक्षा भी हो गई। कुछ भी मतलब सबसे पहले से पास आए हैं। हम क्या बोल रहे हैं, गोसाई श्रीमद गोसाई जी को देख सकते हैं यहाँ पर हो रही थी महाराज की कथा और बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन। और काफ़ी भीड़ भी थी, काफ़ी लोग वहाँ पे गौ कथा सुनने आए हुए थे दूर दूर से। तो फिर आप लोग देख सकते हैं बनी रही दोस्तों यूट्यूब से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर।